आरपी टीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ मां रेवाधाम कॉलोनी के पीड़ित प्लाट धारियों ने कहा कि कॉलोनाइजर पदम जैन ने हमारे साथ धोखा किया। हमने जब रजिस्ट्री की थी उस समय लिख के दिया था कि 6 माह में कॉलोनी का सभी विकास होगा। वर्ष 2015 में हमने रजिस्ट्री करवाई थी, पर 5 साल बाद भी कुछ कॉलोनी में विकास नहीं हुआ। उस समय पूर्ण कॉलोनी विकास की कीमत ली गई। इस संबंध में हमने ADM विभाग में शिकायती आवेदन दे चुके, कर कॉलोनाइजर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गार्डन है। वहीं आज शिकायत पर ADM कॉलोनाइजर को बुलाकर 10 जुलाई तक का समय दिया है। वहीं पीड़ित प्लाटधारियों ने कहा है अगर 10 जुलाई तक कॉलोनी का कार्य नहीं हुआ तो पदम जैन ने नहीं किया तो पीड़ित प्लाटधारी धोखाधड़ी और 420 की FIR कॉलोनाइजर पर करवाएंगे। या कलेक्टर या ADM कार्यालय के बारे में हम इसलिए आए हैं कि कॉलोनाइजर हमारे श्री पदम जैन, इन्होंने 2015 में हमको प्लाट सेल किए थे। कौन सी कॉलोनी, क्या नाम है? हमारे बाद हम कॉलोनी राजघाट रोड बड़वानी 2015 में प्लाट सेल किए थे। रजिस्ट्रियाँ भी उस समय करवा दी थी और 6 महीने का आश्वासन दिया था कि उसमें हम पूर्ण सुविधा करवा देंगे, लेकिन 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज तक ना तो वहाँ कोई डेवलपमेंट है, न बिजली है, न पानी है, न गार्डन है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। हम कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं और न हमारे मकान बन रहे हैं। हमने यहाँ पिछले साल 2 साल 5 फरवरी 2019 को भी आवेदन जनसुनवाई में दिया था, उसके बाद पुनः उपस्थित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज क्या बोला आज का मैडम? आज का आज SDM मैडम ने समक्ष में बुलाकर कॉलोनाइजर से 10 तारीख तक सारे कार्य पूर्ण करवाने के लिए कहा है। क्या उम्मीदें हो जाएंगी आपको? उम्मीद तो नहीं लग रही, क्योंकि हमको 2015 से ये बेवकूफ़ बना रहा है कॉलोनाइजर पदम जैन, तो हमको तो नहीं लग रहे, लेकिन अब मैडम ने कहा है तो अब 10 तारीख तक और वेट करते हैं, उसके बाद 420 में धोखाधड़ी का केस हम दर्ज करवाएंगे। मेन धोखाधड़ी आप लोगों से क्या करी है? मेन धोखाधड़ी यही हुई कि 2015 में पूरे डेवलप कॉलोनी का पैसा इन्होंने हमारे से लिया और 6 माह के अंदर सारी सुविधाएं देने का वादा किया था, जो आज तक पूरी नहीं, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वादा ने रजिस्ट्री में लिख के दिया है। आपको लिखित में मिला हुआ रजिस्ट्री में लिखा लिखा व्यवस्थाएं नहीं पालन होने के बाद आप लोगों ने फिर यहाँ शिकायत दर्ज करवाई? ये हम 5 साल हो गए हम इसके पास व्यक्तिगत तौर से मिले, इन्होंने कहा कि मैं करवा दूंगा, व्यक्तिगत निवेदन करते रहे, लेकिन अंततः हमको कानूनन कार्रवाई करना पड़ा। 5 साल से आप परेशान हो रहे हैं? 5 साल से परेशान, 2015 से जो है परेशान हो रहे हैं। शिकायत हुई है ADM में, क्या है, क्या दिक्कत आ रही है कॉलोनी वासियों को? का कार्य अपूर्ण है, उसकी वजह से शिकायत करी है। बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा, 90% काम हो चुका है, 10% काम जो बचा है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और भी अनियमितता के बारे में बोल रहे हैं, पर पानी और नगर पालिका जुड़ेगी, पाइप लाइन डली हुई है अंडरग्राउंड, बाकी सभी दस्तावेज पूर्ण है कॉलोनी के। कम्प्लीट है, हैंड ओवर हुई है क्या? नहीं, अभी एनडीपी काम होने के बाद ही होगी। 165/6 की परमिशन है ना, उसके आधार पर तो रजिस्ट्री हुई है। नहीं, कोर्ट के आदेश के आधार तो वो 165 हाई कोर्ट का, वही तो 165 पे नहीं, वो बोलो ना सही स्थिति, सही बोलो तो हाई कोर्ट के आदेश से तो हाँ, वो 165 की नहीं है, तो वो 165 ही तो कह लाएगी, तभी तो रजिस्ट्री हुई है सामान्य की। तो क्या नाम है आपका? कालू सिंह सिसोदिया। सर, ये कौन सी कॉलोनी में रह रहे हो आप? ये रेवाधाम कॉलोनी। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? सर वो क्या, 29/9/2016 से मतलब रजिस्ट्री करवा लिए मकान की, ये हमारा मकान है, तो सर वो 1 महीने का दिया था टारगेट, काम करवा देंगे पूरे। क्या 1 महीने में क्या करवा देंगे ये काम? जैसे लाइट फिटिंग है, मतलब पानी लाइट की है, पानी की मूलभूत सुविधा है। हाँ, तो अभी तक मतलब आज दिनांक तक अभी तक कितने साल हो गए? ये 4 साल। वो लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट का टेम्परेरी ले रहे हैं। कहाँ से लिया आपने? ये वृंदावन कॉलोनी से लिया। और पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था सर टैंकर डलवा रहे, नहीं तो मंदिर से ला रहे हैं। कौन है कॉलोनाइजर? कौन है? पदम जैन है सर। क्या करा इस व्यक्ति ने आप लोगों के साथ? उस दिन धोखा करा सर, 420 करी एक तरीके। हाँ सर। और ये कॉलोनाइजर जो प्लाट बिके हुए, यही परेशान है क्या लोगों ने? सभी लोग परेशान है सर, सभी मतलब हमने पिछली बार भी मतलब जनसुनवाई में दे चुके हैं सर हमने।